कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं सोलन के मेले में और मैं रेडी हो चुकी हूँ। इसी के साथ जाएंगे यहाँ से मैं, नियति और आकृति। हमारा अच्छा, हाँ आकृति के मामा जी ये हैं, वो उनके साथ जाएंगे गाड़ी में। मेरे भी मामा ही लगे तो हमारा किराया बच जाएगा। मन्नू और आएंगे, मन्नू के दोस्तों के साथ आएगा ये बस में। तो आज रात शायद हम वहीं स्टे करेंगे और वहाँ का कॉन्सर्ट भी देखेंगे। हम मैं पहली बार जा रही हूँ मेले में। और आकृति तो कितने बार जा रही है मेले में? पहली बार जा रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब एक बार गई थी मैं शायद बचपन में, है ना मम्मी? मन्नू गया था, वो तो मैं नहीं गई। मैं और ये आकृति एक बार भी नहीं गए, आज पहली बार जा रहे हैं तो देखेंगे। हम बोल रहे बहुत भीड़ होती है यार, हम लोग इतने की भीड़ होती है, हमारे मेले में भी भीड़ होती है बट वहाँ ज़्यादा होती है शायद, तो देखेंगे। तो अभी आकृति रेडी हो रही है, नियति भी आई थी थोड़ी देर के लिए, घर गई है, फिर वो वापस हमारे घर आएगी, फिर मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। नियति आ चुकी है हमारे साथ और हम लोग निकलने वाले हैं बस। जो जिनके साथ गाड़ी में जा रहे हैं ना, वो लोग आ चुके हैं। और आकृति ऐसी लग रही है, सिर्फ यही अच्छी लग रही है, हम दोनों तो चंपू लग रहे हैं सच्ची। ये ले, इसमें डाल ले जरूर। पता है क्यों? क्योंकि इसने मेरी टी शर्ट पाई है तो मेरी सुंदरता पर मेरी सुंदरता पता नहीं किस में गई। लोग फर्स्ट टाइम नाइट आउट करेंगे साथ में मिलके, और घर वालों ने देख लो परमिशन दे दी यार। नाइट आउट तो नहीं, मतलब इसके घर पे रहेंगे, नाइट आउट बेबी। इसके घर पे रहेंगे, वो खाली रहता है ना इसलिए। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, अभी कुछ सीन थोड़ा सा ऐसी अटपटा सा है, बताएंगे आपको बीच में क्या होगा। सोलन पहुंच चुके हैं और अभी सिर्फ हम तीन ही पहुंचे हैं, मन्नू और बस में आ रहे हैं, तो उनसे बाद में मिलाऊंगी जब वो आ जाएंगे। आते आते ही हमारे को लड़ाई दिख गई। चलो चलो, हाथ पकड़ तू मेरा। क्यों, इसने लेना है नहीं, बस घुस गई दुकान में। 350 का होगा ये पक्का। यार टॉप्स तो अच्छे हैं यार, नियति टॉप्स तो अच्छे हैं पर पैसे नहीं है। बार्गेनिंग कर रही है। पैसे तो तू इतने कम लाई हुई है। रितिका व्लॉग्स आएगा नहीं यार ऐसे। ये कितने की? हम 300 की दो, ये पूरा सूखी के 300 की दो, और ये 100 का है। बारिश कर रही है। ओहो, इसकी बार्गेनिंग काम ही नहीं आई। भैया आएंगे जरूर आते हुए। एक सब्सक्राइबर तो मिल गया। तू ऐसी चलती रहो ब्लॉग में, आती हुई कोई ना कोई तो कहीं देगा। हाँ दीदी ऐसी चलो ब्लॉग मीशो से। अबे देख सुन, अगर ऐसे बोलेगी ना तो तेरे को सब यही बोलेंगे वहीं से लो, फिर जाके बेइज्जती कराएगी पागल सी। ऐसे बोले ना वहीं से लो। मेरे पास पैसे नहीं है बहन। 250 की एक अंकल। I don't have money. हाँ भाई मिला कुछ? टॉप्स तो प्यारे हैं यार। समय तीन अच्छा मूर्तियां हैं, शायद आज जागरण होगा यहाँ पे।
हम इतनी भीड़ में घुस के आए हैं ना, अभी दिखाया नहीं आपको बस। चुके हैं, इनकी गैंग मिल चुकी है, अब हम लोग इनके साथ घूमेंगे। हाँ प्रीति, और कहाँ गए? यहाँ जगह जगह लंगर लगे हुए हैं, तो हमने ये ले लिया दाल चावल। और वो रामेला, हमें जूम कैसे करके दिखाऊं, इसको नमक कम लग रहा है भाई, लंगरों में ना ऐसे होता, भंडारों में। अभी हम लोग इनके घर जा रहे हैं, नियति और के, क्योंकि यहाँ पे इनके घर है। और इतना लंबा रास्ता है ना यार, मैं तो थक गई। 3 किलोमीटर चलना है हमको अभी, और मेरी तो हालत टांटा फिश हो गई है। अभी हम रुके हैं मैगी लेने के लिए, मनु और ले रहे हैं अंदर से। वो ऐसे जंगल वाले रास्ते से लोग जाते हैं घर को। 6 साल यहाँ रहे हैं नियति और, है ना नियति, इधर देख के बोल। तो फिर याद आती थी इस घर की, देखो कितना जंगल वाला रास्ता है। तो हम पहुंच गए हैं नियति और अंकु के घर, ये है। और थक गए यार, 3 किलोमीटर है ना, 3 क्या, मेरे को 10 किलोमीटर लग गया भाई चलते हुए। अब अंदर जाके थोड़ा सा आराम करेंगे। हम लोग पहुंच गए, इनके घर पहुंच गए हैं, और हमने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि हमने शाम को ही जाना है यहाँ से मिलने में। अभी रिलैक्स सा फील करेंगे थोड़ा सा। और लड़के जो हमारे साथ हैं, मैगी बनाएंगे। तू नहीं भाई, मन्नू बनाएगा। ये देखो, ये 2 शेफ यहाँ पे लगे हुए मैगी बनाने। अच्छी बनाना खिलाए हैं हम सामान। ये नियति है, ये वॉशरूम है। मैं तो यहाँ पे मैगी बनने की तैयारी हो रही है। शेफ शेफ देख लो, मेन शेफ हमारा। तो रोहित द शेफ आलू वाली आज मैगी बनाएगा, पहली बार खाऊंगी मैं भी। आलू कहाँ है? आलू उसमें है। तो मैगी तो बनाया। फ्रिज है, फ्रिज फ्रिज का पीने है। बड़ा बोला वालों को ना, तो भाई मैगी बन चुकी है। मैगी खत्म ना? नहीं नहीं है, मैं लेकर आऊंगी। कढ़ाई लेकर आती हूँ बाहर, अभी मैं तो इतनी सी में हो जाएगा मेरा तो। बेचारा अंकु बर्तन धो रहा है, मैंने इनको बोला था नियति और उसको, और ये बेचारा देखना कैसे धो रहा है बर्तन। हाँ तू ये धोएगी, तू मांझ दे, क्योंकि हमने भी काम करा है ना, हमने सबने अपना अपना काम किया, फन किया और थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम अब तैयार हो गए हैं मेले में जाने के लिए। सब तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं सब, एक एक करके फिर जाएंगे हम तैयार होके मेले में। अच्छी लग रही है तो, नंगे ही नहाते। क्या बात करती है यार, बस निकलने ही वाले मेले के लिए। बस अंकु तैयार हो रहा है, फिर हम जाएंगे मेले में। ये देखो अंकु तैयार हो रहा है, तो चलो भाई चलो चलो, बस जा ही रहे हैं हम मेले में। जा रहे हैं मेले में, ओए ताला लगा लिए हम, यहाँ से निकल चुके हैं मेले के लिए, निकल गए हैं, मतलब जा रहे हैं। मेरे पास थोड़ी है, क्या बोलूं यार, रास्ता जा रहा है भाई, छोटो ग्राउंड को, हमारे को कुछ नहीं पता, हम बस चले हुए ना, हमारे पास पैसा दे रहा है, बस अभी घूमने आए हुए। गाइस, जिसका मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो तो बहुत आगे है, वो तो दिखने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। हाँ जी, हो रहा मेला थर्ड ग्राउंड में। यहाँ पे चोर भी होते हैं, चोर इनकी शक्लों वाले।
किश्ती में जा रहे हैं हम लोग। गाइस हम लोग नियति की दादी के घर रुके थे, सोए थे परे को और इनके घर में खसकी है यार। देखो इसका नाम शैडो है और इतनी फुर्तीली है ना ये, तेज। नहीं नहीं लेसेस नहीं खाने। अरे यार तो लेसेस खा रही है। नहीं बहुत प्यारी है ये। और आज हम यहाँ से चले जाएंगे। मनु और अलग सोए हैं ऊपर वाले कमरे में सोए हैं, हम यहाँ सोए थे। हम क्योंकि तीन ही लड़कियाँ थी, वो ज़्यादा लड़के थे इसलिए हम यहाँ सोए हैं और आज चले जाएंगे। पर बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना यार, दिखाती हूँ ये देखो बारिश ही बारिश। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ लाइट नहीं है। घी, ये शक्कर, आलू, रोटी। सो गाइज हम लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए और हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। देख सकते हैं ये कपड़े नियति ने पहने थे, वो जो नियति के पास टी शर्ट है ये मैंने पहनी थी और यहाँ कृति ने पहनी थी, ये मैंने पहन ली। झूठी तारी करके सारी। आओ यार, अबे बंद करना इसको दो मिनट। आओ तो सही यार। गाइज हम लोग निकल चुके हैं, सिर्फ मैं, आकृति और नियति हम जा रहे हैं। मनु और का हमको पता नहीं है, वो खुद आ जाएंगे। हम घूमेंगे थोड़ा सा मेला, उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे। सुबह सुबह ही शॉपिंग, इसने तो ले भी ली और इसने भी ले ली, मैंने नहीं ली है बस। फिर ऐसी भी चाहिए है। कमाल कर रहे हो, ये कपड़ा देखो, ये अच्छा है, मोटा कपड़ा, ये तो फिर भी 1500 बार्गेनिंग। ये स्टफ ने आपको नहीं, हां ये स्टफ अलग है, ये अलग है स्टफ, ये अच्छा है। मेन बात पता क्या मम्मी, देखिए ये स्टफ खराब, ये फ्रेश है, फ्रेश है ये, फ्रेश में चीज। ये देखो यार ये फ्रेश है, मैं बड़ी हूं ना मुझे समझ आता है, इनको ये बच्चे हैं। ये फ्रेश है जी। नहीं यार चलेगी तो ये भी, चलेगी तो ये भी, कपड़ा मैटर करता है। हम लोग एक दुकान पे आए थे जहाँ से हम शॉपिंग कर रहे थे टी शर्ट्स वगैरह की, तो उनमें से एक भैया ने मेरी आईडी देखी होगी और उन्होंने कहा कि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, उन्होंने मुझे डॉग्स को फिट करते हुए देखा होगा ना, तो वो कह रहे कि आपने पिज्ज़ा खाना है तो हमको पिज्ज़ा खिलाने ये वाले भैया। ये वाला इन्हीं का है भैया, माउंटेन पिज्ज़ा। मैं इनसे लड़ाई जा रही हूँ। ये लड़ाई जा रही, 300 की टी शर्ट 150 में करो भैया। बहुत बड़ा देखो ये भैया हमें पिज्जा खिला रहे हैं। मेरी बदौलत तुमको पिज्जा खाने मिल रहा है। आपकी तो कहाँ नहीं है यार, जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा ये इनका रेस्टोरेंट है, आप भी आ सकते हो यहाँ पे खाने। आ रही हूँ यार, ऐसी आ जाऊँ, खाली हाथ आऊँ यार। तो हम ले आए पिज्ज़ा,